तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आप यहाँ पे जियो के सिम पर 100 Mbps का स्पीड पाना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा ऐसा एक खास APN सेटिंग जिसे यूज करके आपका जो इंटरनेट स्पीड है बहुत ही हाई हो जाएंगे। दोस्तों देखिए, जो APN सेटिंग है इसके लिए मैंने बहुत दिन से वेट कर रहा था, फाइनली आ गया है। और दोस्तों इसे यूज करके आपका जो इंटरनेट स्पीड है बहुत ही हाई हो जाएंगे। ओके दोस्तों, ज्यादातर प्रॉब्लम तभी होता है जब आप पबजी खेलने जाते हो या कुछ चीज डाउनलोड करते हो तो आपका जो इंटरनेट स्पीड है वो लैग करता है और आपको यहाँ पे बहुत ही कम स्पीड मिलता है। कभी कभी आपको जो है ब्राउजिंग करने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है, मतलब कोई सा भी पेज आपको ओपन नहीं होता है। दोस्तों देखिए, जो APN सेटिंग है इसे यूज करने से आपको बहुत ही फायदा होगा, आपका जो इंटरनेट स्पीड बहुत ही इंक्रीज हो जाएंगे, तो वीडियो को जैसे भी स्किप मत करना। और एक बात दोस्तों, मैं मेरे चैनल पर छोटा मोटा गिवअवेस करते रहता हूं, तो आप इस वीडियो के थ्रू बहुत सारे पेटीएम का जीत सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इस वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे कॉमेंट करना है कि आप कौन से स्टेट पर रहते हो, बस आपको यहाँ पे बहुत सारे पेटीएम का मिल जाएंगे। तो वीडियो को देखिए। तो हे गाइस, दिस इज अरूप एंड यू वाचिंग टेक बॉय। अरूप दोस्तों सबसे पहले अपने फोन में आइए दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा सेटिंग में। ओके तो चलिए मैं आपको यहाँ पे सेटिंग में जाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पे जाना है। ओके बहुत सारे फोन का अलग अलग ऑप्शन रहता है, उसके बाद आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा आपका जो जियो सिम है, सिंपली आपको वहाँ पे जाना है। दोस्तों यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा एक्सेस पॉइंट नेम पर, तो सिंपली आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे या साइड में आपको दिख जाएंगे एक्सेस पॉइंट नेम, सिंपली आपको यहाँ पे एक्सेस पॉइंट नेम पर जाना है। ओके तो अलग अलग फोन से अलग अलग ऑप्शन आता है, तो सिंपली एक्सेस पॉइंट नेम पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जो है डिफॉल्ट APN सेटिंग रहेगा, बट आपको यहाँ पे एक न्यू APN का पेज लेना है। तो दोस्तों देखिए, अगर आप Xiaomi का फोन यूज़ करते हो सिंपली आपको यहाँ पे नीचे दिख जाएंगे, तो मैं यहाँ पे कोई अलग OS यूज़ कर रहा हूँ सिंपली, इसके लिए मेरे यहाँ पे ऊपर में न्यू APN का ऑप्शन आता है, ठीक है, इसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे लेने के बाद जो मैं यहाँ पे बोलूँगा सब कुछ आप यहाँ पे चेंजेस करना है। ओके आप यहाँ पे देख लीजिए, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे ऊपर आता है नेम। ओके तो सिंपली आपको यहाँ पे नेम पे देना है जियो। दोस्तों यहाँ पे जियो का जो जे है वो कैपिटल में होगा, JIO 5X2। ओके 5X2 स्पेस इंटरनेट। दोस्तों यहाँ पे इंटरनेट का आई जो है कैपिटल में होगा, JIO 5X2 स्पेस इंटरनेट। ओके बस आपका काम यहाँ पे हो गया है, आप यहाँ पे जो है ओके में क्लिक कर दीजिए। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आता है APN। दोस्तों आपको यहाँ पे APN पे देना है 5X2 जियो नेट। दोस्तों आपको कहीं पे भी स्पेस नहीं देना है। ओके आपको यहाँ पे कैपिटल में स्मॉल लेटर में लिखना है 5X2 जियो नेट। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आता है प्रॉक्सी, आपको यहाँ पे प्रॉक्सी में जो है कुछ भी नहीं देना है। ओके दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आता है पोर्ट, दोस्तों ये भी आपको यहाँ पे कुछ नहीं देना है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आता है यूजर नेम। ओके दोस्तों आपको यहाँ पे यूजर नेम पे लिखना है JIO 5X2। ओके JIO 5X2, दोस्तों जो जे हुआ कैपिटल में होगा, उसके बाद यहाँ पे ओके में क्लिक कर दीजिए। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आता है पासवर्ड, जो आपको यहाँ पे नॉट सेट रहेगा। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आता है सर्वर। ओके तो आपको यहाँ पे सर्वर पे देना है www.google.co.in, क्योंकि आपका जो फोन है वो गूगल के साथ ही कनेक्ट रहता है जो आप यहाँ पे ब्राउजिंग करते हो, सिंपली आपको यहाँ पे www.google.co.in आपको देना है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आता है MSC, जो आपको यहाँ पे नॉट सेट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आता है MMS proxy, जो भी आपको यहाँ पे नॉट सेट रहेगा। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आता है MCC और MNC। ओके जो आपको डिफॉल्ट है आपको यहाँ पे वही रहना है, आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे आता है ऑथेंटिकेशन टाइप, ये भी आपको नॉट सेट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आता है APN टाइप, ये भी आपको यहाँ पे नॉट सेट रहेगा। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आता है APN प्रोटोकॉल। ओके तो सिंपली आपको APN प्रोटोकॉल में देना है IPv4/IPv6। ओके उसके बाद यहाँ पे आता है APN रोमिंग प्रोटोकॉल। दोस्तों आपको यहाँ पे APN रोमिंग प्रोटोकॉल में देना है IPv4/IPv6, बस आपका काम यहाँ पे हो गया है। ओके दोस्तों उसके बाद थोड़ा सा नीचे आप देख पाएंगे VR का ऑप्शन है। ओके दोस्तों देखिए, मैंने पहले क्या बोला था कि काफी सारे लोगों को इतना सारा ऑप्शन नहीं आता है, जिन लोगों को इतना सारा ऑप्शन आता है सिंपली वो लोग अनस्पेसिफाइड में अनटिक करके सभी में आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। ओके और दोस्तों जिन लोगों के पास इतना सारा ऑप्शन नहीं आ रहा है सिंपली वो लोग सबसे पहले आपको यहाँ पे LTE पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा ये वाला ऑप्शन, उसके बाद आपको यहाँ पे GPRS पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके और दोस्तों देखिए, जिन लोगों के पास इस तीन वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है सिंपली वो लोग यहाँ पे LTE पे सिलेक्ट कर देना है, बस आप उसका काम हो जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे सभी नेटवर्क आ रहा है सिंपली सभी को सिलेक्ट कर देना है। तो सिंपली एक बार दोबारा से देख लीजिए जो मैं यहाँ पे चेंजेस किया हूँ, बस आपका काम यहाँ पे हो जाएंगे। ओके उसके बाद आप अपनी APN सेटिंग को यहाँ पे सेव कर दीजिए। दोस्तों जब भी आप यहाँ पे सेव करेंगे, अब यहाँ पे देख सकते हो बीच वाला जो ऑप्शन है, मतलब जो मैंने अभी अभी सेव किया है APN सेटिंग, वो यहाँ पे आ गया है। ओके सिंपली आप जो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए।
दोस्तों उसके बाद आपका फोन जो एक बार रिस्टार्ट कर दीजिए, बस आपका काम यहाँ पे हो जाएंगे। जब आप यहाँ पे नेट करेंगे या कोई भी गेम खेलेंगे पहले से बहुत ही बेटर स्पीड मिलेगा। ओके, तो आई होप को वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट कर देना और भाई का चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहता है। तो थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग।